दोस्तों नमस्कार, मैं एसके दुबे आप सभी का आपके चैनल एसके ओंकार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, मैं फिर से आप सबके सामने आज एक नए वीडियो के साथ। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि शेयर मार्केट क्या है और डीमैट अकाउंट क्या है और सेंसेक्स क्या है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं निफ्टी क्या है और निफ्टी का फ्रेंड्स क्या काम है, निफ्टी और अर्थव्यवस्था, और फ्रेंड्स निफ्टी किस प्रकार बनता है, और निफ्टी और सेंसेक्स में अंतर क्या है, और निफ्टी के फायदे क्या क्या हैं। सो इस वीडियो में आज हम ये पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी आप नए हैं हमारे चैनल पे, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपने कभी भी ये गौर किया है कि बहुत सारे लोग निफ्टी से जुड़ी हुई बात करते रहते हैं फ्रेंड्स, पर आप उनकी बातों को समझ नहीं पाते होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आप नहीं जानते हैं कि निफ्टी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो में आपको निफ्टी से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब जब शेयर मार्केट से जुड़ी बात होती है तब तक निफ्टी का नाम अवश्य लिया जाता है। और फ्रेंड्स, हम अक्सर सुनते रहते हैं कि निफ्टी आज इतने अंक ऊपर गया था और आज निफ्टी इतने अंक नीचे गिरकर बंद हुआ है। और फ्रेंड्स, निफ्टी क्यों ऊपर गया था और फिर क्यों नीचे आया, आज हम आपको इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको निफ्टी के ऊपर नीचे होने से मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये सारी चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले निफ्टी क्या है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, निफ्टी का फुल फॉर्म जो है फ्रेंड्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 होता है। और फ्रेंड्स, यह नेशनल और 50 दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। और फ्रेंड्स, इसको निफ्टी 50 भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, आमतौर पर ज़्यादातर लोग इसको निफ्टी के नाम से जानते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क होता है फ्रेंड्स, और यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 50 प्रमुख शेयर का सूचकांक होता है फ्रेंड्स, या देश की 50 प्रमुख कंपनियों के शेयरों पर नज़र रखता है अपनी। और इसमें सिर्फ फ्रेंड्स वही 50 कंपनी के शेयरों को देखा जा सकता है जो कि इसमें लिस्टेड होती हैं। और फ्रेंड्स, ये उन 50 शेयर जो कि लिस्टेड हैं उनके भाव में होने वाली तेज़ी या मंदी का भी फ्रेंड्स बाकायदा ध्यान रखता है और उनकी भी फ्रेंड्स सूचना प्रदान करता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, निफ्टी 50 भारत का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण स्टॉक इंडेक्स है फ्रेंड्स, और यह देश में सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स ट्रेंड होता है। और दूसरे नंबर फ्रेंड्स BSE सेंसेक्स है, जिसको हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। और मैं आपको फ्रेंड्स आसान शब्दों में बताऊँ तो निफ्टी एक तरह का स्टॉक इंडेक्स है जो कि फ्रेंड्स 50 प्रमुख कंपनियों के स्टॉक को इंडेक्स करे हुए होता है। और फ्रेंड्स, निफ्टी में 50 से ज़्यादा कंपनियों के स्टॉक लिस्ट नहीं किए जा सकते, और निफ्टी में फ्रेंड्स 12 अलग अलग सेक्टरों की 50 कंपनियाँ इंडेक्सड हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं निफ्टी का क्या काम है। मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, निफ्टी का काम हमें उन 50 कंपनियों और बाज़ार की चाल के बारे में जानकारी प्रदान करने का होता है। और फ्रेंड्स, निफ्टी से हमें पता चलता है कि जिन कंपनियों के शेयर लिस्टेड हैं वो कंपनी किस तरह का काम कर रही हैं। और फ्रेंड्स, अगर कंपनी अच्छा काम कर रही होती है तो उसका सीधा असर कंपनी के शेयरों के भाव में दिखता है। और फ्रेंड्स, उस कंपनी के शेयर के भाव बढ़ जाते हैं, और जब किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर के भाव फ्रेंड्स बढ़ जाते हैं तो फिर इसकी वजह से फ्रेंड्स निफ्टी में भी तेज़ी आ जाती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ठीक इसी तरह अगर इंडेक्स में लिस्टेड कंपनियों को लाभ कम हो रहा है या फिर फ्रेंड्स नहीं हो रहा होता है तो इसका असर फ्रेंड्स सीधा उस कंपनी के शेयर्स के भाव पर पड़ता है। और फ्रेंड्स, शेयर के भाव में कमी आने लगती है, और जब शेयर्स के भाव में फ्रेंड्स कमी आती है तो निफ्टी में फ्रेंड्स गिरावट देखी जा सकती है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा निफ्टी की अर्थव्यवस्था, निफ्टी और अर्थव्यवस्था का क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि निफ्टी और अर्थव्यवस्था का संबंध हो सकता है क्या, तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि निफ्टी और देश की अर्थव्यवस्था का बहुत गहरा संबंध है। और फ्रेंड्स, जैसे निफ्टी का ऊपर जाना हमें बताता है कि कोई कंपनी अच्छा लाभ कमा रही है और मुनाफा कर रही है, वैसे ही फ्रेंड्स जब कंपनी अच्छा काम करके अच्छा पैसा कमा रही होती है तो इसके पीछे फ्रेंड्स देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छा काम कर रही होती है। क्योंकि फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा इंडियन कंपनियाँ कैपिटल गेन करेंगी उतना ही ज़्यादा फ्रेंड्स टैक्स हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में जोड़ा जाएगा, जो कि फ्रेंड्स भारत की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं मजबूत अवश्य बनाएगा। और फ्रेंड्स, निफ्टी एक तरह से हमें कंपनी के शेयर्स के भाव में होने वाली तेज़ी और मंदी की तो जानकारी देती ही है, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स हमें पूरे बाज़ार की चाल क्या है यह भी समझाता है। और फ्रेंड्स, अगर कोई बाज़ार की चाल को समझना चाहता है तो उसे निफ्टी को फ्रेंड्स समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, निफ्टी किस प्रकार बनता है। फ्रेंड्स, निफ्टी जो है इसकी गणना किस तरह की जाती है, इससे तात्पर्य है कि उन 50 लिस्टेड कंपनियों के शेयर की गणना करना। निफ्टी में जहां सिर्फ 50 कंपनियां लिस्टेड होती हैं फ्रेंड्स, वहीं NSE में लगभग 6000 के आसपास कंपनीज लिस्टेड होती हैं। और फ्रेंड्स, अब उन 6000 कंपनियों में से 50 सबसे बड़ी कंपनियों को निफ्टी में रखा जाता है, जिससे फ्रेंड्स बाज़ार की चाल का अनुमान लगाया जा सके।
और फ्रेंड्स निफ्टी में लिस्टेड 50 कंपनियों के शेयर सबसे ज़्यादा खरीदे अथवा बेचे जाते हैं। और निफ्टी में फ्रेंड्स लिस्टेड ये 50 कंपनियां अलग अलग सेक्टरों से चुनी हुई होती हैं और ये अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं। फ्रेंड्स इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरे बाजार का लगभग फ्रेंड्स 60% होता है। और फ्रेंड्स जब भी इन कंपनियों के शेयर्स ज़्यादा खरीदे जाने लगते हैं तो निफ्टी फ्रेंड्स ऑटोमेटिक ऊपर जाने लगता है। और फ्रेंड्स जब मंदी आती है, गिरावट आती है, तो निफ्टी फ्रेंड्स वहीं रुक जाता है या फिर नीचे आने लगता है। और फ्रेंड्स निफ्टी में लिस्टेड 50 कंपनीज को चुनने का इंडेक्स कमेटी का होता है और इस कमेटी में फ्रेंड्स बड़े बड़े अर्थशास्त्री आदि शामिल होते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा निफ्टी और सेंसेक्स में क्या अंतर है। निफ्टी और सेंसेक्स फ्रेंड्स वैसे तो दोनों ही स्टॉक इंडेक्स यानी कि संवेदी सूचकांक है, पर फ्रेंड्स दोनों में डिफरेंस है जो इन्हें एक दूसरे से अलग और एक दूसरे से फ्रेंड्स बेहतर बनाते हैं। तो आइए जानते हैं फ्रेंड्स क्या है अंतर सेंसेक्स और निफ्टी में। मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा है निफ्टी, जबकि फ्रेंड्स सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा है। और फ्रेंड्स जहाँ एक और BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर फ्रेंड्स मात्र 30 कंपनियाँ ही लिस्टेड होती हैं, वहीं निफ्टी के अंतर्गत फ्रेंड्स 50 कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं। और फ्रेंड्स इसलिए निफ्टी को शेयर बाजार के लिए ज़्यादा विश्वास रूपी माना जाता रहा है। और फ्रेंड्स 50 कंपनियां 30 कंपनियों के मुकाबले में मार्केट कैपिटलाइजेशन का आकलन बाजार की ज़्यादा वास्तविक स्थिति दिखाने में फ्रेंड्स कर पाएगी। और फ्रेंड्स दोनों का काम वैसे एक ही है, दोनों एक ही सूचकांक हैं और दोनों का फ्रेंड्स वास्तविक मकसद शेयर बाजार की स्थिति को बताना होता है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा निफ्टी के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स निफ्टी के कई सारे फ़ायदे हैं, पर इनमें से फ्रेंड्स कुछ प्रमुख जो फ़ायदे हैं मैं आपको उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। फ्रेंड्स पहला है जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE किस प्रकार काम कर रहा है और फ्रेंड्स NSE की परफॉर्मेंस के बारे में एक नज़र में ही पता चल जाना चाहिए। और फ्रेंड्स बाजार में चल रही या फिर बाजार में होने वाली तेजी और मंदी की सूचना आसानी से मिल जाना, अगर निफ्टी नीचे जाता है तो फ्रेंड्स बाजार में मंदी आने वाली है। और फ्रेंड्स बाजार की चाल का सटीक अनुमान निफ्टी के माध्यम से लगाया जा सकता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स निफ्टी के माध्यम से हमें देश की अर्थव्यवस्था की जानकारी आसानी से मिल जाती है और हमें पता लग जाता है अगर बाजार में तेजी बनी हुई है और निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि देश की अर्थव्यवस्था भी ऊपर की ओर जा रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि शेयर मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रेंड्स आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास फ्रेंड्स डीमैट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक से जा करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको अकाउंट ओपन करने में कोई इशू आता है तो मैंने इस चैनल पर वीडियो डाल दिया है कि आप स्टॉक में आप कैसे अकाउंट खोल सकते हैं, उस वीडियो का लिंक फ्रेंड्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप स्टेप बाय स्टेप देख करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में अगर आप आना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो पहले फ्रेंड्स शेयर मार्केट के बारे में जानें, अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करें, सीखें, सीखने के बाद ही फ्रेंड्स पैसा निवेश करें, नहीं तो आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आपको फ्रेंड्स मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।